आप लोग कंपनीज कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू कोफ्ते का मज़ेदार सालन। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ऑयल गर्म होने को रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 अदद लौंग और 3 अदद छोटी इलायची। चलें जी, आप लोग देख सकते हैं छोटी इलायची और लौंग हल्का हल्का सा फ्राई हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसमें चला जाएगा सूखा धनिया, लाल मिर्चें, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। ये सारे मसाले आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1/2 कप दही और इसमें चली जाएगी 1/2 कप फ्राई प्याज। अब इन दोनों चीजों के साथ मैं मसाले को फिर से अच्छी तरह से भूनूंगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने 1/2 kg लिया था बीफ मिंस और इसके कोफ्ते बना के मैंने पहले से रख लिए थे। कोफ्तों में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी इसकी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जी व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके ये कोफ्ते ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 अदद मीडियम साइज के आलू। इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अब बस बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इन सब चीजों को आपस में मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें बगैर पानी डाले हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब 7 मिनट के बाद कोफ्तों का भी जो था पानी वो सब निकल चुका है। अब मैं ये करूँगी, अब आप लोगों को जितनी भी ग्रेवी रखनी हो ना उसी हिसाब से आप लोग इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें पानी डालूँगी 1/2 कप। अच्छा जी, 1/2 कप पानी ऐड करने के बबाद अब मैं इसको बस तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार आलू कोफ्ते का सालन बनके तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें चला जाएगा गरम मसाला। बस अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए खाली दम पे छोड़ूंगी। बस हल्का सा इसको इस तरह से हिलाएंगे, ठीक है। अब बस मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार आलू कोफ्ते का सालन बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।